यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बेहतरीन शेयर जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। किसी भी गिरावट में ये स्टॉक्स मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेहतरीन है और इसमें निवेश करके आप अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, काफी बेहतरीन, ये काफी सॉलिड शेयर है और करंट मार्केट कैप 17,000 करोड़ का है। और वहीं बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो देखिए कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है यहाँ पर, देखिए पावर एक्सचेंज है कंपनी का, मतलब पावर एक्सचेंज है जहां पर आप पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो परचेज कर सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। तो काफी बेहतरीन है क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड काफी बढ़ेगा। वहीं पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.69% का डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी शानदार, प्रमोटर्स होल्डिंग बिल्कुल जीरो है क्योंकि कंपनी पूरी तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कोई भी शेयर किसी और के पास नहीं है और प्लेज परसेंटेज जीरो है कंपनी का। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.02 डेट टू इक्विटी है कंपनी का और टोटल डेट मात्र 11.7 करोड़ का है और कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर रिजर्व अच्छा खासा है, 491 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास और नेट प्रॉफिट 234 करोड़ का। देखिए हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी शानदार दिख रही है। और वहीं कंपनी की बात करें प्रॉफिट ग्रोथ का और सेल्स ग्रोथ का, तो यहाँ पर देखिए सेल्स ग्रोथ 2011 में मात्र था 36 करोड़ का, जहां से लगातार यहाँ पर सेल्स ग्रो हुआ है। देखिए लगातार सेल्स ग्रो हुआ, लगातार सेल्स ग्रो हुआ और 2021 में हो चुका है 317 करोड़ का। तो एक कितना बेहतरीन यहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ है और टॉप लाइन ग्रोथ का अगर हम बात करें 24% के CAGR से ग्रो हुआ है सेल्स यहाँ पर। और नेट प्रॉफिट की बात करें 2011 में नेट प्रॉफिट था 19 करोड़ का, जहां से कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार जंप हुआ है, देख सकते हैं लगातार लगातार ये जंप होते चला है। लॉन्ग टर्म में हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में लगातार जंप होने के साथ साथ यहाँ 2021 में हो चुका है नेट प्रॉफिट 213 करोड़ का और इसका CAGR जो है नेट प्रॉफिट के ग्रोथ का 27% के CAGR से ग्रो हुआ है। तो इतनी शानदार कंपनी जिसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफी जबरदस्त है और सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं, कंपनी हर पैरामीटर्स पे काफी जबरदस्त है क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। साथ ही साथ कंपनी अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी का शेयर कैपिटल 30 करोड़ का है कंपनी के पास और कंपनी का जो डेट है वो लगभग जीरो के बराबर है, मात्र 12 करोड़ का डेट है यहाँ पर। और कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार इंक्रीज हुआ है और 491 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास हो चुका है। वहीं कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो जो कंपनी का काफी जबरदस्त यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव रहने के साथ साथ यहाँ पर ग्रो भी हुआ है, मतलब कैश फ्लो भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है। कैश फ्लो पॉजिटिव भी है साथ साथ कैश फ्लो लगातार इंक्रीज भी हो रहा है, तो इतनी शानदार ये कंपनी है। अब वहीं इन्वेस्टर की बात करें तो जो FIIs का स्टेक है कंपनी में वो 36% के आसपास है और कंपनी में DIIs का जो स्टेक है 25.47% है और पब्लिक का जो स्टेक है 37.53 है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफी शानदार दिख रही है। तो कंपनी में FIIs का स्टेक भी अच्छा खासा है, DIIs का स्टेक भी है, पब्लिक का स्टेक भी अच्छा खासा है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी शानदार है। अगर वहीं शेयर प्राइस के चार्ट पे बात करें तो देखिए ये स्टॉक्स मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था, तब ये स्टॉक्स यहाँ पर हुआ करता था लगभग देख सकते हैं 400 के आसपास और यहाँ से 400 से ये स्टॉक जबरदस्त रैली किया और अभी ये हाई लगा चुका है 618 रुपीज से। फिर से ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर 18 रुपीज डाउन मिल रहा है, तो अभी आप इसमें किसी भी गिरावट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये 565 के नीचे आता है तो एक करेक्शन जो है, छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पर संभव है, कोई बड़ा करेक्शन अभी फिलहाल जो कंपनी का सिचुएशन है उसके अनुसार नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कोई भी छोटा मोटा करेक्शन होता है, मतलब एक डिस्काउंट प्राइस पे स्टॉक मिलता है तो उस समय आप एंट्री ले सकते हैं। तो ये स्टॉक चार्ट पे भी काफी सॉलिड है, किसी भी गिरावट में इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक्स है। अगर मार्केट कैप की बात करें 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है और वहीं बात करें डिविडेंड यील्ड का तो 0.15% का डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक का और बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से भी ज्यादा है और बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का 41.9% प्रमोटर्स होल्डिंग है इसमें और मात्र 2.17% शेयर इसमें प्लीज है।
और वही डेट टू इक्विटी की बात करें 1.12 का डेट टू इक्विटी है। देखिए यहाँ पर डेट जो है आपको 1 से ज्यादा दिख रहा है लेकिन 2 से कम होना चाहिए क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी है, 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मार्केट कैप इसीलिए देखते हैं कंपनी कितनी बड़ी है, तो ये कंपनी काफी वेल एस्टेब्लिश हो चुकी है अपने बिजनेस में, काफी बड़ी कंपनी है। यहाँ पर डेट जो बढ़ा है वो लॉकडाउन के कारण, जो पैंडमिक आया है उसके कारण। और यहाँ पर बात करें कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है 1,620 करोड़ का, और वही कंपनी के पास जो रिजर्व है 1,311 करोड़ का। तो यहाँ पर डेट जो है रिजर्व से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है लेकिन देखिए कंपनी का जो नेट एनुअल प्रॉफिट है वो काफी जबरदस्त है, 375 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है कंपनी के पास, तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है। अब हम प्रॉफिट ग्रोथ और जो सेल्स ग्रोथ है उसको देख लेते हैं, कंपनी अपने सेल्स में क्या ग्रोथ कर पा रही है, प्रॉफिट में ग्रोथ कर पा रही है, तो उस पर ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंपनी के सेल्स की बात करें 2010 में था 424 करोड़ का, जहाँ से कंपनी का सेल्स लगातार इंप्रूव हुआ है, लगातार इंक्रीज हुआ। कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होने के साथ 2021 में पहुंच चुका है 3,312 करोड़ का, तो काफी जबरदस्त यहाँ पर सेल्स में इंप्रूवमेंट है क्योंकि 17% के CAGR से सेल्स का ग्रोथ हुआ है। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें 2010 में मात्र था 33 करोड़ का, जहां से नेट प्रॉफिट जबरदस्त रूप से यहां पर जंप हुआ है, जबरदस्त रूप से जंप हुआ। और देखिए लॉन्ग टर्म में बीच में प्रॉफिट जो है बढ़ा भी और घटा भी, लेकिन यहां ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें तो यहां पर हो चुका है 232 करोड़ का, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में काफी जबरदस्त हमें प्रॉफिट में जंप होता हुआ देखने मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो सेल्स है और प्रॉफिट है काफी जबरदस्त तरीके से जंप हुआ है। और वही बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल है 132 करोड़ का, और कंपनी का जो रिजर्व है वो काफी बड़ा है, 2010 में मात्र 53 करोड़ का था, जहां से लगातार इम्प्रूव होकर के 1000 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है कंपनी का रिजर्व। और वहीं बोर्डिंग की बात है मतलब कंपनी के ऊपर जो डेट है वो है 1620 करोड़ का, और ये डेट देख सकते हैं कि मार्च 2020 में ही आया है। मार्च 2020 में कंपनी अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट की, कंपनी के बिजनेस पे कोई खास पैंडेमिक का असर देखने नहीं मिला, लेकिन कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट यहाँ पर बढ़ा है, तो डेट पैटर्न को भी हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये भी प्रभावित करता है। अगर कंपनी अपने डेट को रिमूव करने में सक्षम होती है तो काफी बेहतरीन साइन होगा हमारे लिए, मतलब इन्वेस्टर के लिए। उसके बाद कैश फ्लो की बात करें तो 2010 में 77 करोड़ का कैश फ्लो था, जो कि लगातार इंप्रूव हुआ है, देखिए लगातार इंप्रूव। और यहां 2020 में कैश फ्लो जो है और 2021 में 751 करोड़ का पहुंच चुका है, तो कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमेशा पॉजिटिव रहा और कैश फ्लो जबरदस्त रूप से यहाँ पर इंप्रूव हुआ है, तो कैश फ्लो देखते हैं कितना आप सॉलिड है और कितना बेहतरीन है। वही बात करें इन्वेस्टर का तो प्रमोटर्स का जो इसमें स्टेक था 2018 में जो प्रमोटर स्टेक था 44.94 यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक था, और यहाँ से प्रमोटर स्टेक थोड़ा सा यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है क्योंकि ये 41.94 हो चुका है, यहाँ पर 3% प्रमोटर्स का स्टेक डिक्रीज हुआ है। तो याद रखना है कि स्टॉक काफी हाई प्राइस पे जा चुका है, यहाँ प्रमोटर्स स्टेक 2018 में 19 में ही डिक्रीज हुआ है, तो इस पे भी ध्यान रखना है। वहीं एफआईज का जो स्टेक है इसमें काफी इंप्रूव हुआ है 41.72, डीआईज का स्टेक 10.63, देखिए सारे एफआई डीआईज इसमें काफी बुलिश है, काफी इंप्रूव हुआ है स्टेक इसमें। और पब्लिक स्टेक यहां पर घट करके हो चुका है 8% हुआ करता था, तो 5.37% बचा है पब्लिक स्टेक इस स्टॉक में मात्र। ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा है, थोड़ा सा कंपनी के ऊपर डेट बढ़ा है, डेट को हमेशा कंसिडर में रखना है। और वहीं बात करें टेक्निकल चार्ट पर तो जो स्टॉक का सपोर्ट बन के आता है वो होता है 3,600, और जो रेसिस्टेंस है वो है 4,275 रुपीज़, इसका रेसिस्टेंस है। अगर रेसिस्टेंस क्रॉस करता है तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी हमें देखने मिल सकता है, वहीं जो सपोर्ट है वो है 3,600, तो ये इस रेंज में अभी ये स्टॉक है। इस रेंज को जिस और ब्रेक करता है, ऊपर के रेंज को ब्रेक करता है तो बुलिश होंगे, नीचे ब्रेक करता है तो थोड़ा बहुत गिरावट हमें देखने मिल सकता है। अगला स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल काफी बेहतरीन, काफी सॉलिड शेयर, मार्केट कैप 41,000 करोड़ का है। और वहीं पर बात करें डिविडेंड यील्ड का तो डिविडेंड यील्ड है 0.08%, तो काफी बेहतरीन यहाँ पर डिविडेंड यील्ड है स्टॉक का, क्योंकि काफी कम क्योंकि स्टॉक काफी ग्रोथ वाला स्टॉक है। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें मुख्य रूप से कंपनी का पाइपिंग डिवीजन का बिजनेस है, जहां से 77% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है, साथ साथ केवल
केबल प्रोडक्शन में कंपनी है, एंसिलरी प्रोडक्ट भी कंपनी बनाती है, अर्बन इंफ्रा में है, तो यहाँ पर पाइपिंग डिवीजन में ये कंपनी है, तो पाइपिंग का काम करती है मुख्य रूप से ये कंपनी। 41,000 करोड़ का मार्केट कैप, काफी बड़ी कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से अबव है, तो काफी बेहतरीन ये कंपनी है, काफी सॉलिड है। प्रमोटर्स होल्डिंग बात करें 55.7%, काफी जबरदस्त प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और बात करें डेट टू इक्विटी का, 0.04 डेट टू इक्विटी का है, और वहीं टोटल डेट 80.2 करोड़ का है कंपनी के ऊपर, जबकि रिजर्व कंपनी के पास 1876 करोड़ का है, 1876 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, अच्छा खासा रिजर्व है। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो है 458 करोड़ का, तो काफी जबरदस्त यहाँ पर कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट लगातार कंपनी का जो है इंप्रूव हुआ है। अगर यहाँ पर टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें, 2010 में सेल्स था 281 करोड़ का, जहां से कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ, लगातार इंक्रीज हुआ, लगातार इंक्रीज हुआ, और 2021 में हो चुका है 3176 करोड़ का सेल्स, तो सेल्स काफी जबरदस्त इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 2010 में था मात्र 28 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जहां से लगातार नेट प्रॉफिट इंप्रूव हुआ, लगातार इंप्रूव हुआ, लगातार इंप्रूव, और यहाँ पर 2021 में हो चुका है 404 करोड़ का, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफी जबरदस्त रूप से इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर देखिए सेल्स का जो पिछले 10 साल में सेल्स इंक्रीज हुआ है 23% के कंपाउंडिंग के साथ, और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 28% के कंपाउंडिंग के साथ, इतना जबरदस्त ये स्टॉक है। वही बात करें शेयर प्राइस के चार्ट का, तो शेयर प्राइस के चार्ट पे भी ये स्टॉक्स काफी सॉलिड है। अगर हम बात करें यहाँ पर सपोर्ट का, तो इसका जो सपोर्ट रीजन आता है वो आता है 1952 रुपीज के आसपास, और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस आता है इस स्टॉक का वो है 2290 रुपीज इसका रेसिस्टेंस है। तो अगर ये स्टॉक सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम थोड़ा सा इसमें बेरिश होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक्स ये इस तरह के जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है वो आपको नीचे आता हुआ देखने नहीं मिलेगा, इसको ऊपर ही जाना है। तो ऐसे फंडामेंटली जो सॉलिड शेयर है गिरावट में आपको बाय करनी है, और जैसे ये इसके ऊपर निकलता है 2290 रुपीज के ऊपर, तो हम स्ट्रॉन्ग रूप से इसमें बुलिश होंगे और ये स्टॉक यहाँ से जबरदस्त तेजी उसके बाद दिखाएगा। उसके बाद जो चौथा स्टॉक्स है वो है एचएलई ग्लासकॉट, इसका जो मार्केट कैप है 8140 करोड़ का। और कंपनी की बात करें बिजनेस का, तो ये कंपनी मुख्य रूप से ग्लास लाइंड इक्विपमेंट बनाती है, फिल्टर्स बनाती है, और ड्रायर्स इक्विपमेंट बनाती है, और वेरियस इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री के अलग अलग इंडस्ट्री के लिए ग्लास लाइन इक्विपमेंट, मतलब ग्लास से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं, फिल्टर बनाती है, उसके बाद ड्रायर इक्विपमेंट बनाती है। और इसका जो कंपनी के पास रेवेन्यू है 57% देखिए फिल्टरेशन और ड्राइंग डिवीजन से आती है, और ये कंपनी काफी जबरदस्त रूप से मार्केट को कैप्चर करके रखी है, 60% मार्केट शेयर है कंपनी का इस प्रोडक्ट में। साथ ही साथ बात करें कंपनी का डिविडेंड काफी कम है, 0.07, क्योंकि जो ग्रोथ वाली कंपनियां होती है उसके डिविडेंड आपको काफी कम देखने ही मिलेंगे। प्रमोटर्स का होल्डिंग 71.3% है, कोई भी शेयर इसमें प्लेज नहीं है। बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी का, 0.43 डेट टू इक्विटी है, और टोटल जो डेट है कंपनी के ऊपर 73.6 करोड़ का, तो काफी कम डेट है कंपनी के ऊपर, क्योंकि रिजर्व कंपनी के पास 140 करोड़ का है, तो रिजर्व अच्छा खासा है, डेट काफी कम, और 60 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है। इस तरह का जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उसका हमें ग्रोथ देखना है, और ग्रोथ पोटेंशियल को देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम चलते हैं मुख्य रूप से सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ क्या है उसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पर सेल्स की ग्रोथ की बात करें, 2010 में मात्र 45 करोड़ का सेल्स था, जहां से देखिए लगातार इंप्रूव हुआ है सेल्स, लगातार इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर 2021 में पहुंच चुका है 421 करोड़ का सेल्स। और फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 2010 में था मात्र 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जहां से लगातार इंप्रूव हुआ, लगातार इंप्रूव हुआ, लगातार इंप्रूव हुआ, थोड़ा सा बीच में यहाँ पर गिरावट भी देखने मिला था प्रॉफिट में, लेकिन 2021 में ये प्रॉफिट हो चुका 52 करोड़ का, तो काफी जबरदस्त प्रॉफिट में इंक्रीज और काफी जबरदस्त सेल्स में इंक्रीज। वहीं पर बात करें सेल्स ग्रोथ का, 23% के सीएजीआर के साथ हुआ है,
प्रॉफिट का ग्रोथ 35% के CAGR के साथ हुआ है, तो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफी जबरदस्त है इस स्टॉक का। उसके बाद अगला है बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट देखना जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल है 31 करोड़ का कंपनी के पास, और जो रिजर्व है 2010 में था 10 करोड़ का, और यहाँ 10 करोड़ से बढ़कर के रिजर्व जो कंपनी का हो चुका है 140 करोड़ का रिजर्व, और जो कंपनी का डेट है 2010 में मात्र था 15 करोड़ का, और 15 करोड़ से कंपनी का डेट भी बढ़ा है और 74 करोड़ का हो चुका है। तो थोड़ा सा डेट पे आपको ध्यान रखना है, कंपनी को जो डेट है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, मतलब वो भी बढ़ रहा है, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ता हुआ डेट हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है जो भी इन्वेस्टर है, क्योंकि डेट जब कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होगा तो कंपनी डेट अगर नहीं पे करती है, डिफॉल्ट होती है, तो वो कंपनी के लिए काफी बुरा दिन होता है। वहीं कैश फ्लो की बात करें, 2010 में मात्र 10 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो था, जो कि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ बीच में, लेकिन ओवरऑल देखिए लॉन्ग टर्म में काफी इम्प्रूव हुआ है कैश फ्लो, और कंपनी अभी जो 34 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट कर रही है, 34 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो काफी बेहतरीन ये कंपनी है और काफी जबरदस्त यहाँ पर कैश फ्लो इम्प्रूव हुआ है। वहीं बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, तो यहाँ पर प्रमोटर्स का जो स्टेक है जो कंपनी में, वह था 2018 में 50%। देखिए यहाँ पर प्रमोटर खुद इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं, 2019 में हो गया 74% और अभी है 71%, क्योंकि अभी स्टॉक्स काफ़ी रैली कर चुका था, यहाँ से थोड़ा सा प्रमोटर भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर प्रमोटर स्टेक जो है 2% से डिक्रीज हुआ है तो जून क्वार्टर में, तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो काफी हायर हो चुका है, तो यहाँ पर आप चाहें तो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वही बात करें कंपनी के शेयर प्राइस के चार्ट का, तो देखिए शेयर प्राइस चार्ट पर जो सपोर्ट है इसका वो है 4,450 रुपीज का, 4,450 रुपीज का इसका सपोर्ट है, और वहीं रेसिस्टेंस की बात करें तो फिलहाल कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है, कोई वैसा प्राइस नहीं है जहां से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो रेसिस्टेंस फेस कर रहा हो, ये तो लगातार ग्रोइंग मोड में है। तो यहां पर स्टॉक अगर यहां पर गिरता है तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर आपको 5,000 से नीचे गिरता है तो 4,450 तक आ सकता है, तो पहला सपोर्ट है यहाँ 5,000 का, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और उसके बाद गिरता है तो 4,450 रुपीज तक ये स्टॉक आ सकता है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको ब्रेक नहीं करता है, ऊपर ही स्टॉक चलता गया तो फिर चलता चला जाएगा, 10,000 तक भी स्टॉक जा सकता है, इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है। तो ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में है तो निश्चित रूप से रखिए, क्योंकि इस स्टॉक को मैंने तब से बताया है जब से ये स्टॉक 1,400 रुपीज का हुआ करता था, जब से ये स्टॉक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर शेयर प्राइस आपको 1,700 से दिखाता है, लेकिन इसी को आप BSE पर देखेंगे, ये NSE पर है, तो यहाँ पर 1,400 रुपीज का जब ये स्टॉक था तब से मैंने इस स्टॉक को बताया है, तो आपके पोर्टफोलियो में है तो जरूर रखिए। उसके बाद जो अगला स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, मार्केट कैप 49,000 करोड़ का, और ये स्टॉक भी काफी जबरदस्त है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस का, हाईवे टायर बिजनेस करती है कंपनी, 30 ईयर से अधिक का कंपनी का इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, और 160+ कंट्री में कंपनी का जो बिजनेस है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इंडिया हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया, और 49% जो रेवेन्यू है इसका, मतलब सेल्स का रेवेन्यू, वो यूरोप से आता है, 23% अमेरिका से, 23% इंडिया से, और 15% अमेरिका से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 13%। तो अभी भी कंपनी में काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है यहाँ से, और 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो निश्चित रूप से एक लार्ज कैप कंपनी है, और डिविडेंड 0.83% का है। और वहीं पर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, तो 58% का प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें कोई भी शेयर उसमें प्लेस नहीं है, डेट इक्विटी मात्र 0.17 का, और कंपनी पर टोटल जो डेट है 1,000 करोड़ का टोटल डेट है, और रिजर्व 5,961 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के ऊपर। और यहाँ पर बात करें नेट प्रॉफिट का, 1,377 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी सॉलिड दिख रही है। वहीं 2010 में बात करें तो इसका सेल्स था 1,526 करोड़ का, जहां से यहां पर कंपनी का सेल्स लगातार इंप्रूव हुआ है, और यहां पर 2021 में हो चुका है 5,783 करोड़ का सेल्स, तो सेल्स कंपनी का लगातार इंप्रूव हुआ। वहीं 2010 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 219 करोड़ का, यहां से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा अगले साल डिक्रीज हुआ, लेकिन ओवरऑल देखिए लॉन्ग टर्म में हमेशा इंक्रीज हुआ है कंपनी का नेट प्रॉफिट, और यहां पहुंच चुका है 2021 में 1,178 करोड़ का,
तो काफी जबरदस्त कंपनी के प्रॉफिट में सेल्स में इंप्रूव है। तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ हुआ 11% के कंपाउंडिंग के साथ, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 20% के कंपाउंडिंग के साथ, और यहाँ पर तो काफी बेहतरीन कंपनी ने रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। वहीं पर शेयर प्राइस के चार्ट पे चलते हैं, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस का चार्ट है उसमें जो सपोर्ट निकल के आता है वो सपोर्ट है आपका 2250 रुपीज। तो सपोर्ट है 2250 रुपीज का, यहाँ पर हमारा सपोर्ट आ गया 2250 रुपीज का। और वहीं पर बात करें हम रेसिस्टेंस का, तो जो रेसिस्टेंस है वो फिलहाल कुछ नहीं है, यहाँ पर सपोर्ट आपका ये भी काम कर सकता है अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है। ये जो ब्रेकआउट था यहाँ से दो बार जो स्टॉक प्राइस है यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया था, अगर यहाँ से ब्रेकआउट ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर यही हमारा सपोर्ट का काम करने लगा जो होगा 2500 इसका सपोर्ट का काम कर सकता है अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाता है, शेयर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है। तो ये पांच बेहतरीन शेयर थे जिसमें आप हर गिरावट में निवेश करते हैं, और इसके मैंने टेक्निकल चार्ट और कंपनी का जो बिजनेस है उस दोनों को डिस्कस किया। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह के एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।